सचिन बंसल, ये नाम किसी भी इंफॉर्मेशन और किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। फ्लिपकार्ट को आप जानते होंगे, फ्लिपकार्ट को सचिन बंसल ने बेचा था और जैसे ही फ्लिपकार्ट से इन्होंने क्विट किया था उसी टाइम इन्होंने स्टार्टअप किया था नवी का। सचिन बंसल का नवी आईपीओ आने वाला है, इसका हम बिल्कुल डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं कि आपको ये इसको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वॉर, मार्केट वोलेटिलिटी, पैनिक सेलिंग और टेक स्टॉक के क्रैश के बीचों बीच सचिन बंसल एक बोल्ड डिसीजन ले रहे हैं। वेल, डिस्पाइट मार्केट बींग इन अ टाइट बियर हग ऑफ लेट ओइंग टू मल्टीपल ग्लोबल डेवलपमेंट्स, सचिन बंसल हैज फाइल्ड DRHP विद सेबी एंड हैज डिसाइडेड टू गो पब्लिक दिस जून विद हिज फिनटेक स्टार्टअप नवी टेक्नोलॉजीज। इंटरेस्टिंगली, नवी का 3350 करोड़ का आईपीओ और टेक स्टॉक्स के आईपीओ की तरह नहीं है, इसमें कुछ अलग है। सचिन बंसल ने अपना सारा पैसा इन्वेस्टमेंट के इस स्टार्टअप में लगा दिया है और इस आईपीओ में ऑफर फॉर सेल्स भी नहीं है। जी हाँ, यू हर्ड इट राइट, कोई ऑफर फॉर सेल्स नहीं है। भले इन्वेस्टर अपना स्टेक बेच कर नहीं भागने वाले हैं। सो लेट्स चेक आउट की नवी टेक्नोलॉजी के आईपीओ की डिटेल्स क्या है, वन बाय वन देखेंगे ताकि आप डिसाइड कर सके कि इस आईपीओ में आपको इन्वेस्ट करना है या मिस कर देना चाहिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं देश के नंबर वन फुल सर्विस ब्रोकर जो अभी तक एक फुल्ली फंक्शनल फिनटेक कंपनी में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, मतलब एंजल लोन के साथ अगर अपना डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं बेस्ट फैसिलिटी के साथ में, जिसमें एक साल की फ्री AMC है, स्मॉल केस है, स्मॉल APA है, फ्लैट 20 रुपीज ब्रोकेज पर ट्रेड है, पर्सनल एडवाइजरी है, MTF फैसिलिटी है, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके अपना अकाउंट आज ही एंजल ब्रोकिंग के साथ खोल सकते हैं और अपने ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। चलो पहले देखते हैं हिस्ट्री क्या है, बैक हिस्ट्री को टेस्ट कर लेते हैं। सचिन बंसल और बिनी बंसल इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम के OG पोस्टर बॉयज हैं। जब उन्होंने 2007 में फ्लिपकार्ट का लॉन्च किया था, लेकिन वॉलमार्ट के डील के बाद सचिन ने अपनी ही कंपनी को 10 साल बाद परमानेंटली बाय बाय कह दिया। लेकिन कुछ महीने बाद ही वो एक नया वेंचर के साथ सबके सामने आया जिसका नाम उन्होंने BSE एक्विजिशन रखा था और अब जो नवी टेक्नोलॉजीज के नाम से फेमस है। ये एक फिनटेक कंपनी है जो लोन, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स में डील करती है ताकि आप सिंपल, अफोर्डेबल और आसान तरीके से हर तरीके का लोन, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स ले सकें। जी हाँ, 2018 में फाउंड की कंपनी नवी ऑफर्स डिजिटल पर्सनल लोन्स, होम लोन्स एंड क्रेडिट अगेंस्ट प्रॉपर्टी इन द लेंडिंग स्पेस। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स कस्टमर विद हेल्थ इंश्योरेंस, डिजिटल एसेट मैनेजमेंट विद पैसिव फंड फोकस ऑल्सो। नाउ लेट अस रिकॉर्ड द DRHP। DRHP है क्या? DRHP के हिसाब से नवी टेक्नोलॉजीज आईपीओ के माध्यम से 3350 करोड़ रुपए रेज करना चाह रहा है फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर से। या कोई ऑफर फॉर सेल्स नहीं है और सचिन ये दूसरे इन्वेस्टर्स पे अपने शेयर्स नहीं बेच रहे हैं। आईपीओ से रेज किया हुआ पैसा नवी के दो सब्सिडीज में इन्वेस्ट किया जाएगा। 2370 करोड़ जाएगा नवी फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड में, जिसको NFPL के नाम से जाना जाएगा, और 1090 करोड़ जाएगा दूसरे सब्सिडरी नवी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड NGIL में। कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखा जाए तो नवी की जो टोटल इनकम है फाइनेंशियल 2021 में 780 करोड़ है और उसका एनुअल प्रॉफिट है 71 करोड़ रुपए, विच इज वेरी वेरी फिनोमिनल। कंपनी ने अपने DRHP में फाइनेंशियल 2022 के Q1 to Q3 डिटेल्स भी दिए हैं, जिसके हिसाब से कंपनी ने 719 करोड़ का टोटल इनकम जनरेट किया है बट विद लॉस ऑफ 247 करोड़। चलिए देखते हैं कि नवी टेक्नोलॉजीज के जो फाइनेंशियल्स हैं वो कैसे है, उसका ब्रेकडाउन करने की कोशिश करते हैं। 43.97% इनकम पर्सनल लोन और दूसरे लोन से आती है, 32.52% इनकम माइक्रो फाइनेंस लोन बिजनेस से आती है, 13.57% इनकम इंश्योरेंस बिजनेस से आती है, 8.6% इनकम दूसरी ऑपरेशनल एक्टिविटी से आती है, 0.80% इनकम एसेट मैनेजमेंट बिजनेस से आती है और कुछ लाइक 0.5% इनके दूसरे इनकम है। नवी के आईपीओ के बुक रनिंग लीड मैनेजर एक्सिस कैपिटल, BOFA सिक्योरिटीज, क्रेडिट सिक्योरिटीज इंडिया, एडलविस फाइनेंशियल सर्विसेज, ICICI सिक्योरिटीज एंड लिंक टाइम इंडिया। इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 6 लोग हैं, सचिन बंसल जो चेयरमैन है, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO हैं, अंकित अग्रवाल जो बंसल के IIT बैचमेट हैं वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और CFO हैं, आनंद सिन्हा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। इसके अलावा 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, उषा नारायणन, अभिजीत सिन्हा बॉस और श्रीपद नादकर्णी। एट प्रेजेंट द फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर हैज अ डिसबर्सल रेट ऑफ अबाउट ₹2000 करोड़ एंड इन नेक्स्ट 18 मंथ्स इट एस्पायर्स टू बिल्ड अ 15000 करोड़ वर्थ लोन बुक। वेरी वेरी फिनोमिनल। आप सोच रहे होंगे कि नवी में इन्वेस्ट किया जा सकता है क्या? वेल, जिस हिसाब से फिनटेक शेयर्स ने काफी डिसअपॉइंट किया है, स्पेशली पेटीएम और पॉलिसी बाजार ने, नवी के आईपीओ में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले रिटेल इन्वेस्टर्स को काफी डीप एनालिसिस करना होगा, स्पेशली नाउ दैट दीज कंपनीज आर मेकिंग लॉस और फिर ये कंपनीज RBI, IRDAI जैसे इंस्टीट्यूशंस पे भी डिपेंडेंट हैं, जैसे रिगार्डिंग प्रोटोकॉल्स, प्रोसीजर्स एंड रेगुलेशंस के लिए। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्वेस्ट करने से पहले हम प्रॉपर स्वॉट एनालिसिस करके इसके कंपटीटर्स, वैल्यूएशंस, दूसरे टेक्निकल एनालिसिस पर भी ध्यान दें, क्योंकि स्टॉक मार्केट देता है चप्पर फाड़ के और लेता है थप्पड़ मार के। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि नवी में आपको इन्वेस्ट करना कि नहीं करना, शायद ये कंटेंट आपकी कुछ हेल्प करे। अगर आप मेरी इस मेहनत को सराहना चाहते हैं, मुझे मोटिवेट करना चाहते हैं, तो आप एक लाइक प्रेस कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं किस पे आपको वीडियो चाहिए,
कोशिश करूंगा उस कंटेंट के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। और अगर आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो मुझसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, मुझसे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। सबके लिंक, सोशल मीडिया लिंक्स मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और बहुत ही जल्दी दिल्ली की क्लासेज अनाउंस होने वाली हैं, तो अगर आप सीखना चाहते हैं टेक्निकल एनालिसिस, अगर आप ये शेयर बाजार खुद सीख के खुद काम करना चाहते हैं, किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हैं, तो बहुत ही जल्दी आपसे मिलने वाला हूँ। दिल्ली की मास्टर क्लास होगी, ऑफलाइन क्लास होगी। गाइस, मैं बिल्कुल भी ऑनलाइन क्लासेस नहीं करता हूँ, मैं ऑनलाइन क्लासेस में बिलीव ही नहीं करता हूँ। जब तक आप मेरे सामने नहीं होंगे तब तक मुझे पता नहीं लगेगा कि आपको क्या समझ में आया, क्या समझ नहीं आया, ठीक है। और ये रिलेशनशिप लाइफ टाइम रहने वाला है, क्लास एक दिन की होने वाली है, बट रिलेशनशिप लाइफ टाइम के लिए आप कभी भी मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। मेरे नंबर हमेशा मेरे स्टूडेंट के पास रहते हैं, इनफैक्ट सोशल मीडिया पे मेरे नंबर पूरी तरह से ओपन है। नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरी टीम को मैसेज कर सकते हैं और डिटेल्स ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहिए, मजे करिए। जय हिंद।